हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं अपनी ज़मीन पर जहाँ पर हम भैंसों को खाना खिलाएंगे, मैं यानी कि घास खिलाएंगे, और मेरे साथ मेरा आकाश भी होगा। हम साथ में जाएंगे, वहाँ पर लकड़ियाँ भी निकालेंगे और आग पर देखेंगे कि गांव वाले चूल्हे जलाने के लिए कैसे लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो गैस वगैरह है नहीं। तो चलो चलते हैं। तो यार, हमारी भैंसें आ चुकी हैं, आकाश ले आया है घर से। मैं घर से थोड़ा सा बाहर आ चुका था, मैंने कहा मैं बाहर खड़ा रहता हूँ, तुम भैंसे लेके आओ। काच काच काच, ये हमारी कपास की फसल और ये हम पहुँच गए। लेके आओ लेके आओ, देखो घास खाना शुरू हो गई। हाँ, घुस जा पेड़ में घुस जा। ये तो डर गई, मेरा ही पीछा करे। भाई भागो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो भाई हमारी वैसे अब गाय खाना शुरू हो गई है, अभी कोई मसला नहीं है, अभी हमें परेशान नहीं करेंगी, उम्मीद करते हैं। हमारे साथ आकाश भी है, ये आज बनाए धराड़। हम सिंधी में धराड़ कहते हैं जो भैंसों घास वास लेके खिलाने लेके जाता है ना। और ये हमने पेड़ लगाया हुआ था, छोटा था पहले, ये सांजड़े का, यानी हम सिंधी में तो उसे सांजड़ा कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं इसे। अगर आप पहचानते तो आप बता देना इसे क्या कहते हैं। भाई ये देखो, हम इसे सिंधी नोरियड़ा कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हो उर्दू में, आप इसे क्या कहते हैं हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताना। ये देखो मज़े ले रहा है, मज़े ले रहा है, मज़े आए आए तेरे मज़े। ऊपर नीचे से हो रहा, दूर से मैं इसको देख रहा हूँ, ऊपर नीचे हो रहा है, मज़े ले मज़े ले मज़े, पेड़ों पे मज़े ले रहा है ये। और हमारे यहाँ एक एलियन भी रहता है जिसका नाम है मुश्ताक, जो हमारे बागों में ऐसे घास वास निकालता रहता है। मुश्ताक डांटे वांटा दिखाओ इसको। हाँ देखो, ये हमारे यहाँ पे एलियन रहता है मुश्ताक। ये टिकटॉक स्टार भी है, टिकटॉक वीडियो भी बनाता था, अभी इसके पास मोबाइल शोबाइल नहीं है, ठीक है, इसके साथ प्रैंक हो गया है। लकड़ियाँ भी निकालेंगे, रस्सा सस्ता लेके आए, लकड़ियाँ बांधेंगे, और चूल्हे जलाने के लिए यहाँ लकड़ियाँ चाहिए होती हैं। यहाँ पर गैस वैस की कोई सुविधा नहीं होती, और हम यहाँ पर ना इसके सूखी सूखी डालियाँ होती हैं ना पेड़ों की, हम वो तोड़ते हैं और उससे उनको जलाकर ना अपना खाना बना तैयार करते हैं। तो इस तरह की लकड़ियाँ होती हैं, उनको तोड़ना पड़ता है। सामने भी है, तो मैं इसके ऊपर चढ़ूँगा, ये भी तोड़ूँगा, ये भी तोड़ूँगा, सारी तोड़ूँगा। तो मैं चढ़ा हूँ पेड़ पर, अभी पेड़ पे चढ़ूंगा, देखूंगा कि लकड़ियाँ वकड़ियाँ निकालेंगे। ये रस्सा मैंने इधर फेंक दिया है, अभी अभी काम का नहीं है, बाद में आएगा काम का। अभी इसको चढ़ूंगा, ये अभी छोटा पेड़ है, इसमें चढ़ जाऊंगा। ये तोड़ा हूँ आज, ये पूरा सूखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ना ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं, तो इसको हम नहीं तोड़ते। लकड़ियाँ जो होती है ना, ग्रीन शरीन पत्ते होते हैं ना, इसलिए दिखती नहीं है, कभी कम दिखती है, लेकिन होती ज़रूर है। देखो मैं ऊपर चढ़ गया हूँ, ये जाएगी नीचे। अभी आगे भी देखते हैं, दूसरे पेड़ों पर जाना है, ठीक है। यहाँ में ना कम है, इस पर कम है लकड़ियाँ, तो अभी रस्से को सही करेंगे, का जो लकड़ियाँ हैं इसको सेट करेंगे। आकाश पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वैसे जंगली बच्चे हैं ये चढ़ जाएंगे, कोई मसला नहीं। चढ़ो बेटा, शाबाश शाबाश, तूने कहा ना मैं चढ़ जाऊंगा, चढ़ चढ़ चढ़, हिम्मत कर हिम्मत कर, लकड़ियाँ भी तोड़नी है, खाली चढ़ना नहीं ऊपर, हिम्मत कर हिम्मत कर। भाई ये आकाश चढ़ गया है पेड़ में, हाँ शाबाश। नीचे देखो मेरे मुंह में, मत देख ना, ऐसे ना यहाँ पे ना एक एक लकड़ी करके ढूंढी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी मिलती नहीं है, कभी मिल जाती है अचानक से, वो बस अचानक से नज़र पड़ती है तो मिल जाती है। जैसे कि मुझे भी एक दो तीन दिख रही है नीचे, मैं भी इनको तोड़ने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं इस पेड़ पे चढ़ूंगा, वहाँ पर आकाश चढ़ा था, लेकिन उस पर काठियाँ लकड़ियाँ नहीं थी, हम तो काठियाँ काठियाँ कहते हैं सिंधी में, उसको लकड़ियों को काठियाँ कहते हैं। तो मैं लगा चढ़ने इस तरह,
तारतन हूँ भाई, तारतन। ये इसमें ज्यादा लकड़ियां हैं, ये कमजोर समझोर दीवाना बड़े प्यार ये लकड़ी मत कर तुम लकड़ी लगा आएगा बड़े फिसल गया ना तो बंदा गया नीचे खत्म, काटा बाय बाय हो जाएगा। रिस्की होते हैं लकड़ियां लटक रही हैं वैसे और लकड़ी कटाते हैं। ये मेरा चाचा है लकड़ी के डाटे लाठियों के भाई, ये स्कूल में मार खाता है आकाश। ये मेरा चाचा है, रोज स्कूल में कटे है गाश लकड़ियां इकट्ठे कर रहा है। मैं कूदा हूँ ना, मेरे जमीन से पैर से जमीन निकल गई है। जल्दी 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 इकट्ठे कर। वो हमारी भैंस हैं दूर, घास खा रही हैं, परेशान नहीं कर रही। जल्दी जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। हाय, लकड़ियां हमने निकाल दी हैं काफ़ी सारी, आधी यहाँ पे हैं, आधी दूसरे पेड़ पर पड़ी हुई हैं। जल्दी जल्दी हाथ बड़ा होगा, जल्दी जल्दी टोटे टोटे ना करो उनके। हाँ, बड़ी बड़ी बांधने में आसानी होगी, तोड़ो ना इसको, ऐसे रखो ऐसे। हाँ, अरे थक गया हूँ, कल के निकल निकल के पसीना भी आ रहा है, ऊपर भी बैठा हूँ, घर ना जाऊँ। ये नीचे देख रहे हो, लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ है। ये मेरा दिखा पा रहा है कि नहीं, लकड़ियाँ लकड़ियाँ। यार थक चुके हैं, पानी खाने पिए, पानी सही है वैसे। गर्मी बहुत है, गर्मी ये पेड़ आम के जो पौधे लगे हुए हैं ना, यब्बू ने लगाए हुए। ये आकाश है, ये हमारा पूरा बाग है, जमीन आम के बाग है यहाँ पे। हमने ये भी लगाए थे पपाया, ये फेल हो गए। बागों में कामयाब नहीं है वैसे पपाया, नहीं लगाने चाहिए, नुकसान करोगे। हमारी वैसे माशाल्लाह मजे से घास खा रही है। पहले मेरे से घूम गई थी, हमने लकड़ियाँ निकाल रहे थे पेड़ के ऊपर, ये घूम चुकी थी। ये होती है गांव की खूबसूरती, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमने लकड़ियाँ जमा कर ली हैं, काम हमारा पूरा हो चुका है। बस भैंसों को चारा खिला के फिर जाएंगे शाम को घर। तो हमारी YouTube पे
अरे क्या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो सख्त करें भाई नहीं सीजे हमारी यूट्यूब पे वीडियो सख्त करें चाहे सख्त करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें